नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है सिंगल ट्रक ऑनर बनने के बारे में कि अगर आपके पास कोई ट्रक नहीं है और आप ट्रक ले करके बिजनेस करना चाहते हो, कोई एक ही ट्रक खरीद करके बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है और किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। ऐसे में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रक खरीद के बिजनेस करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो तभी आप ट्रक खरीद करके बिजनेस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको सिंगल ट्रक ऑनर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो, किस तरह से लोड की प्लानिंग कर सकते हो, किस तरह से बाकी चीजें आप कर सकते हो, जिसको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस इंडस्ट्री में फैला हुआ कि सिंगल ट्रक ऑनर अपना बिजनेस कैसे करे। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि अगर आप ट्रक खरीद करके बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए कि आपको न्यू ट्रक लेना है या फिर ओल्ड ट्रक लेना है। प्रिफर कीजिए कि ओल्ड ट्रक के साथ ही हमेशा बिजनेस पहले स्टार्ट कीजिए, न्यू ट्रक के साथ आप स्टार्ट मत कीजिए। न्यू ट्रक के साथ प्रॉब्लम यह होता है कि इसको लेने से पहले ही दिन से आपके ऊपर बहुत सारा लायबिलिटी आ जाता है, खास करके ट्रकों के ईएमआई को लेकर के। ओल्ड ट्रक के साथ आप काम करते हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है और जो लायबिलिटी होता है अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो तो वो भी कम होता है। यहाँ पे सीधा जो है 2x लायबिलिटी होता है, दो गुना लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी कम होता है। तो आप हमेशा प्रिफर कीजिए कि आप ओल्ड ट्रक के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर डूबेगा भी तो छोटा सा पैसा डूबेगा, ज्यादा बड़ा पैसा नहीं डूबेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, अगर आप वर्किंग हो, कहीं आप वर्किंग हो और चाहते हो कि आप ड्राइवर रख करके बिजनेस को स्टार्ट करें तो मेरा सजेशन है कि आप इस इंडस्ट्री में कूदिए ही मत। सबसे बड़ा सजेशन कि आप इस इंडस्ट्री में मत कूदिए। कारण है कि अगर आपके पास नॉलेज है इस इंडस्ट्री का तब आप ट्रक लेकर के ड्राइवर रख करके बिजनेस चला सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी लॉजिस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके पास दो दो तीन तीन ट्रक्स हैं जो ड्राइवर रख करके चलाया जा रहा है। तो आप भी चला सकते हो, बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी ट्रक खरीद करके बिजनेस मत कीजिए। पहले क्या करना है आपको, एटलीस्ट 6 महीने का आपको किसी भी ट्रकिंग कंपनी जिसके पास की खुद का ट्रक है उनके पास रह करके सीखिए कि ये इंडस्ट्री चलता कैसे। पैसा ना दे कोई मतलब नहीं है सीखना, क्योंकि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं सीखने के लिए जा रहे हो तो आपको वहां से पैसा मिले। सोच हमेशा अगर आगे का आप रखते हो तो पीछे के बारे में उतना ध्यान मत दीजिए। अगर आप सोच रखे हो कि नहीं मुझे यही इंडस्ट्री में एंटर करना है, मुझे नॉलेज नहीं, मैं नॉलेज लूंगा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो किसी भी ट्रकिंग कंपनी में आप घुस जाइए। आपके एरिया में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पक्का होगा, जहां पे कि ट्रक्स आते जाते हैं, किन्हीं के पास ट्रक्स होगा उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए और उनके साथ काम करना स्टार्ट कीजिए, उनके यहाँ जॉब करना स्टार्ट कीजिए। अगर सैलरी नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, अगर 2-4 हजार मिल जाए तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपको अपने ट्रक के खरीद करके बिजनेस करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कि जब भी अगर आप ट्रक खरीद करके बिजनेस करना चाहते हैं तो ड्राइवर हमेशा सही रखिए। अगर आपने ड्राइवर सही नहीं रखा तो आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस आपका हो नहीं पाएगा, वो हमेशा लॉस में होगा। कारण है कि ड्राइवर जो है वो आपके बिजनेस को बनाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि ड्राइवर सही से है वैसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ड्राइवर्स अच्छे भी होते हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छे रखते हो तो वो, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो भी आपके लिए वो बिजनेस लेकर के आते हैं। ड्राइवर्स के पास भी अच्छा खासा कॉन्टेक्ट होता है इस इंडस्ट्री में। आप 2 महीने या 4 महीने 1 साल 2 साल करके इस इंडस्ट्री में आए हो, अगर कोई ड्राइवर 10 साल से इस इंडस्ट्री में ट्रक चला रहा है तो उसका भी मार्केट में पहचान होता है, उसको भी पता होता है कि कौन बंदा मुझे कहां के लिए माल देगा, कहां के लिए बिजनेस देगा। तो हमेशा ड्राइवर का रिस्पेक्ट किया कीजिए, ड्राइवर के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखिए तो वो भी आपको जो है बिजनेस ला करके देगा। पांचवें नंबर पे मैं बात करूं तो जब भी आप ट्रक सिंगल ट्रक ऑनर बनकर के चलाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको अपने पास 4-5 लाख रुपया जो है रिजर्व में रखना पड़ेगा।
अगर आप रिजर्व में 4 से 5 लाख रुपया नहीं रखते हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो इसलिए कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा डाउन है या आपको सही से बिजनेस नहीं मिल पा रहा है तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके अपने ट्रक्स को कहीं ना कहीं मूव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स कोई खत्म हो गया या किसी तरह के मेजर उसमें रिपेयरिंग आ गया है तो आप इस पैसे को इन्वॉल्व करके अपने ट्रक को का रिपेयरिंग वगैरह करवा सकते हो। बट बिजनेस फिर से चलेगा तो वहां पे फिर जो है आपका रिटर्न मिलना स्टार्ट होगा और ये पैसे फिर से बनेंगे। छठे नंबर पे मैं बात करूं, ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे दोस्तों, उतने सारे पॉइंट्स पे नहीं जाते। छठे नंबर बात करूं, अगर आप सिंगल ट्रक ऑनर हो तो आप हमेशा एक प्रिफेयर रूट यूज कीजिए। ऐसा रूट कभी मत यूज कीजिएगा जहां पे कि आपको मटेरियल मिले ही नहीं। अगर एक रूट आप पहले पकड़ लीजिएगा, आपको कलकत्ता में अगर आप हो तो कलकत्ता से गुवाहाटी चलाना है या कलकत्ता से सिलीगुड़ी चलाना है, कलकत्ता से पटना चलाना है, कलकत्ता से दिल्ली चलाना है, कलकत्ता से मुंबई चलाना है, कलकत्ता से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, जहां चलाना है कोई एक रूट पकड़िए और वहीं पे अप डाउन अपने ट्रक को कीजिए। इससे क्या होगा, वहां के लोकल जो वेंडर्स होते हैं, लोकल जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशन जो है अच्छा बनता है और वो भी आपको फिर प्रिफर करते हैं बिजनेस देने में, लोड वगैरह करवाने में। सातवां नंबर, अगर आप सिंगल ओनर हो, सिंगल ट्रक ओनर हो तो उस कंडीशन में मैं जैसे बताया था कि ओल्ड ट्रक और न्यू ट्रक के साथ आप बिजनेस कर सकते हो, बट आप ओल्ड ट्रक को प्रिफर कीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि आप इस ट्रक के साथ 2 ईयर्स तक बिजनेस कर चुके हो और आपके पास अच्छा खासा बिजनेस अब है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस ट्रक को सबसे पहले सेल करना है। हो सकता है कि 2 साल आप यूज किया, पहले से 5-6 साल यूज हुआ था तो इसके बाद आपको हो सकता है कि 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया मिल जाए, पॉसिबिलिटी या कुछ भी मिल सकता है, ये फिक्स नहीं है कि इतना ही मिलेगा। ये पैसा प्लस इससे जो पैसा आपने बनाया उससे आप फिर आप नया ट्रक खरीदिए। इससे क्या होगा कि ट्रक जितना पुराना होता है ना, इसके ऊपर रिपेयरिंग की लायबिलिटी बढ़ते जाती है। तो जैसे ही आप इसको बेच करके नया ट्रक खरीदोगे तो एक लायबिलिटी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, वो है रिपेयरिंग का। तो इससे क्या है कि इसमें फिर आप रिपेयरिंग नहीं होगा तो यहां से फिर आप पैसे धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करोगे। और यहां पे जब आप ट्रक खरीदते हो तो इसके बाद फिर आप मल्टीप्लीकेशन में ट्रक खरीद सकते हो। आप इसको बेच दिए हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बिजनेस अच्छा है, 2 साल आपने चलाया, 2 साल में अच्छा खासा पकड़ हो जाता है मार्केट में। अगर आप 2 साल चलाने के बाद आपको लगता है कि मार्केट में अच्छा पकड़ हो चुका है तो आप एक ट्रक ले सकते हो नया, 2 ट्रक ले सकते हो नया, जैसा भी लगता है आपको उस तरह से नया ट्रक लेकर के फिर आप मार्केट में चला सकते हो। और फिर से ध्यान रखिए, आपको सबसे अच्छा रिलेशन जो है इसके साथ बनाना पड़ेगा, ड्राइवर के साथ। बिजनेस चलाना है तो ड्राइवर के साथ रिलेशन हमेशा अच्छा रखिए, यही आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत आगे सहयोग दे सकता है। अगर ड्राइवर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखते हो तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगा। ड्राइवर आपका रास्ते में गाड़ी छोड़ के भाग जाएगा, तेल बेच देगा, टायर बेच देगा, कुछ भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं, हुए भी है, मैंने देखे भी है। बट अगर ड्राइवर आपका अच्छा है तो आपके लिए ये बिजनेस लाएगा, आपके ट्रक को संभालेगा, आपके ट्रक को सही से चलाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका ये अकेला हैंडल कर सकता है। ये बंदा आपका ड्राइवर ही अकेला हैंडल कर सकता है। और हमेशा एक्सपीरियंस ड्राइवर लीजिए जो सही से आपके ट्रक को ड्राइव कर सके। तो दोस्तों ये था सिंगल ट्रक ओनर बिजनेस के बारे में जानकारी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे सकता हूं। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।